हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सो निकल पड़े हैं गैंगटॉक के लिए सिलीगुड़ी से। इसी एरिया पे मैं रह रहा था, फिर मैं बुआ के पास आऊँगा वापस। बुआ के घर में रह रहा था, वापस मैं आऊँगा फिर गैंगटॉक से। ये आपका सिटी मॉल है। तो चलिए निकलते हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं। गाइज गुड मॉर्निंग। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये सेवॉक सिटी अभी क्रॉस किए हैं, वो पुलिस स्टेशन है। और ये रहा आपका घाटी, हल्का घाटी भी स्टार्ट हुआ है। तो चलिए चलते हैं। गुड इवनिंग। सो अभी शाम के 4 बज रहे हैं
ये रहा मेरा साइकिल और ये रहा एक बीआरओ का ग्रीफ है यहाँ पर मेली जैसे मेली टाउन के पास, मेली MELI। तो अभी यहाँ पर हूँ और यहाँ पर कुछ ये मेरा शायद कुछ रूम बेड वगैरह है और आज मैं यहाँ पर रुकूँगा। बीआरओ कैंप है ये, ग्रीफ है, तो यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ। और उनको मैंने सर्टिफिकेट्स दिखाया था, अभी सर्टिफिकेट्स दिखा के अभी यहाँ पर रुक के खाना पीना खा के कल सुबह निकलूँगा। हेलो गाइस, सो अभी खाने बैठे हैं, यह कैंटीन एरिया है। आज चिकन बनाया, रोटी और चावल और चिकन खा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नॉनवेज है, तो रोटी के साथ खा रहे हैं, तो चलिए खाते हैं, बहुत भूख लगा है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सो आप देख सकते, देखिए सुबह और ये रहा साइकिल, ये है, कपड़े सुखा दे, लेकिन सूखे तो है नहीं वैसे, अभी जस्ट होते हैं नींद से और अभी फ्रेश वेश होके चलते हैं आगे निकलते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़, साइकिल में कैसे मतलब पानी जम गया है। ठंड का है, एक्चुअली ये वाला रूम था, इस बेड पे मैं सो रहा था। चलिए रेडी होते हैं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, निकल पड़े हैं अभी रास्ते में। ये रहा बीआरओ, यहीं पर था बीआरओ में, और अभी आगे जा रहे हैं, रानी पुल में रुकेंगे। चलिए चलते आगे।
सो देख रहे हैं शाम होने को आया, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और रानी पुल है और 5 किलोमीटर, थोड़ा चढ़ाई है फिर उतराई भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेलो गाइस, अभी ठंड बढ़ रहा है सो इसको पहन लिए और शायद 2-3 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं सनसेट वहाँ हो रहा है लेकिन यहाँ पूरा अंधेरा हो गया है। गाड़ी आना जाना कर रही तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉर्च भी थोड़ा ख़राब हो गया और वो रहा, गाड़ी आ रही है, पीछे से भी आ रही है, 1 मिनट। हाँ जाओ जाओ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, सो अभी मैं यहाँ रूम पे पहुँच गया हूँ और मुझे यहाँ पर लायंस क्लब ऑफ गैंगटॉक ने मुझे रहने का बंदोबस्त किया है। ये आप देख सकते हो यहाँ से पूरा फुल व्यू दिखता है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ से पूरे गैंगटॉक शहर दिख रहा है छोटा छोटा, वो और भी दूसरा कुछ शहर है वहाँ पर पहाड़ों में। तो ये बैल्कनी एरिया है एक्चुअली। सो यहाँ पर रूम्स है और ये मेरा रूम है। सो यहाँ पर आज रहने का बंदोबस्त है, 2-3 दिन रहूँगा गैंगटॉक में, उसके बाद सिलीगुड़ी वापस। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच टू द लायंस क्लब ऑफ गैंगटॉक मुझे इतना अच्छा स्टे देने के लिए, और उन्होंने फूड भी अरेंज करके दिया है। सो ओके। हेलो गाइस, जैसे कि मैं साइकिल लेके अंदर आ रहा था लेकिन अंदर आना नहीं दिए, मैं बाहर ही रख दिया उसको साइकिल को। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको ये मॉल रोड स्टार्ट हो गया यहाँ पर, यहाँ गांधी जी का मार्ग था, मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको।
नीचे नाश्ता करने आए हैं। बहुत दिनों बाद एक आलू का सब्जी जो बनता है अधिकतर वो उड़ीसा बंगाल की तरफ ही बनता है, अब वो टेस्ट मुझे बहुत दिन बाद मिला। रोटी के साथ मैं खा रहा हूँ, नाश्ते में काफ़ी घरेलू टाइप का खाना पीना मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ रोटी और आलू का सब्जी। तो यह है रोटी और ये आलू का सब्जी, बहुत ही मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है जो मुझे बचपन में टेस्ट आता था। घर में भी ऐसे ही बनता है तो वो अभी भी वैसे ही बन रहा है। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सो वो था मेरा स्टे और यहाँ से निकल चुका हूँ। ये पीछे गैंगटॉक सिटी है और निकल चुका हूँ आगे आपका सिलीगुड़ी। आज सिलीगुड़ी पहुँच जाऊँगा, लेट होगा लेकिन पहुँच जाऊँगा। चलिए चलते हैं। वैसे तो डाउन है पूरा, लेकिन पूरा डाउन नहीं है, कुछ कुछ सीधा भी मिलेगा, अप भी मिलेगा, हल्का अप मिलेगा क्योंकि अभी डाउन जा रहा हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये रहा सिक्किम का बॉर्डर, ये चेक पोस्ट है सिक्किम पुलिस। सो थैंक यू सिक्किम एंड बाय सिक्किम। चलिए विदा करते हैं सिक्किम को, बाय बाय, और आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। हेलो गाइस, सो अभी जस्ट लंच किए हैं और पीछे आप जो देख रहे हैं वही तिस्ता बाज़ार है। ये वही तिस्ता बाज़ार है जहाँ पर मैं फर्स्ट स्टॉपेज रुका था गैंगटॉक जाते वक्त, वो बीआरओ कैंप। तो बीआरओ कैंप में मैंने ट्राई किया, उधर पता नहीं सब यूनिट जो है सबको बोल रहा बाहर गया, तो लंच का व्यवस्था उतना हुआ नहीं है। मैंने कहा ठीक है कहीं बाहर कर लेते, तो मैंने बाहर में लंच किया, वो थाली सिस्टम जो होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत महंगा है। मुझे पता चला था कि पहले से कि गैंगटॉक थोड़ा ऊपर जाने से महंगा मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी और 50 किलोमीटर से सिलीगुड़ी पहुँच जाऊँगा। सो अभी जा रहे थे आज, अभी रंबी क्रॉस किए, रंबी बोल के एक छोटा टाउन है अभी क्रॉस किए, और आप देख सकते हैं ये देखिए, ये जो एक दागी दिख रही है आपको, देखिए ये एक्चुअली देखिए थोड़ा सा रफ़ हो गया है, थंब पाम है जो पाम एरिया है वो देखिए थोड़ा सा रफ़ हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे इसको ऐसा पकड़ के इसको ब्रेक मारना पड़ता है डाउनवर्ड्स में, तो ये जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से ये ऐसा दागी हो जाता है। मैं आपको दूसरे हाथ में दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ भी हो गया है। तो ये कभी कभी दर्द देता है, बहुत ही इचिंग होता है, ये देखिए इसमें भी थोड़ा सा इचिंग होता है, और ये भी देखिए ये भी पूरा मतलब ऑलमोस्ट वो पुलअप्स जो करते हैं, पुलअप्स करते समय यहाँ पर वो
ऐसा दागी हो जाता है, लेकिन साइकिल जो चलाता है उसका यहाँ पर दर्द होता है, देख सकते हैं, देखिए। तो खैर कोई नहीं, मेहनत का फल मीठा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेलो गाइस, सो ये फिर से वो कोरोनेशन ब्रिज है यहाँ का, सेवोक का, जो मैंने गैंगटॉक जाते समय पार किया था, फिर से पार कर रहा हूँ। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, अंधेरा होने को आया है और 20 किलोमीटर है सिलीगुड़ी। लेट्स गो। अंधेरा हो गया है, अभी गाड़ियों की वजह से लाइट दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, तो अभी सेवोक में है, तो बिस्किट खा रहे हैं, बहुत ये भूख लग रहा था। अभी 15 किलोमीटर है, 5:30 बज रहे हैं, आई थिंक 7:30 बज जाएगा पहुँचते, देख सकते हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक लग गया था इसलिए गाड़ी थोड़ा बढ़ गया। को पा के निकलते हैं। सिलीगुड़ी एंटर कर चुके हैं, अभी बज रहा है शाम के 7:45, 6:45 PM हो रहा है। सो अभी और 4 किलोमीटर है मेरे बुआ का घर, जहाँ पर थे वहीं पर जा रहे हैं। चलिए चलते हैं।